Let's see if our scorecard is uh, ready now. Yes, scorecard is here. All, All right, right. Uh, Ocean, will you take us through it? जी आ, सो अभी की अगर हम बात करें ये तीन गेम्स के बाद की बात आती है यहां पर मैं एक चीज से जरूर खुश हूं कि अगर हम 10 टू 18 में भी देख रहे हैं तो टीम अल्फा जो है वो 12 फिनिशेस पर है। मतलब डबल डिजिट वो फिनिशेस अपने लेकर के आ चुके हैं उनको ये चीज अब ये बताती है कि ये टीम फिनिशे फाइट अच्छी ले रही है बट इनको प्लेसमेंट पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सत्रह पॉइंट मतलब पांच प्लेसमेंट पॉइंट इनके तीन गेम्स में है मतलब आने वाले कल के दिन इनको प्लेसमेंट पॉइंट के हिसाब से एक गेम खेलना पड़ेगा मे बी हल्का सा थोड़ा सा बैक एंड पर अगर करके खेलते हैं तब फाइनल सर्कल में फिनिशे निकालते तो इनके पास भी एक चिकन डिनर हो सकता है है है, कल के दिन। टीम के की बात 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 करें, they have good finish numbers, finishes उनके पास पास तीन गेम्स में आया, वही चीज़ आती कि जो 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 प्लेसमेंट पॉइंट्स वाली रहती क्योंकि इनका जैसे कि आप कीजिए जैसा गेम था, था, लॉन्ग पर गया सर्कल इनके तो ये कर सकते है, उसके बाद के के परफेक्ट गेम प्ले गोइंग ऑन विद ऑलमोस्ट टेन फिनिशेस इन एवरी गेम वो जो एवरेज चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है एंड परफेक्ट फ्लॉलेस यू नो प्लेसमेंट पॉइंट्स लेकर के टीम स्नैक्स ऊपर है और ये जो सेफ्टी क्वेश्चन इन्होंने बनाया है टीम क्रॉन्टन के अगेंस्ट कल अगर टीम क्रॉन्टन में बोलूंगा चाह करके अगर अगर टीम क्रॉन्टन कोशिश करती और उनके तीन चिकन डिनर्स आते हैं तो भी देखिए टीम टीम्सनाक्स सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं कोई ना कोई पोजीशन तो लेगी तो वो वो पॉइंट्स अपने धीरे धीरे तो ऊपर बढ़ाते रहेंगे तो स्नैक्स कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार बन चुके टॉप पोजीशन पे रहने की